बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी अपनी बोल्ड लुक के कारण हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। वो सोशल साइट पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। दिशा इंस्टाग्राम पर अपनी हॉट फोटोज शेयर करती रहती हैं। सोशल साइट पर उनके कई फॉलोअर्स हैं, जो दिशा की हॉटनेस के दीवाने हैं। हाल ही में दिशा ने अपनी कुछ और लेटेस्ट फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की है। दिशा इन दिनों वेकेशन एंजॉय कर रही है। वो इन फोटोज में स्विम सूट में नजर आ रही है। उनका ये लुक उनके फैंस को चौंका देने वाला है। स्विम सूट पहनकर दिशा पूल में काफी मस्ती करते हुए नजर आ रही हैं। दिशा ने पूल में स्विमिंग करते हुए भी तस्वीरें शेयर की हैं। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह जल्द ही 32 साल के होने वाले हैं। वो बहुत ही कूल और हमेशा मस्ती करते रहते हैं। रणवीर जितना अपनी प्रोफेशनल लाइफ में खुले मिजाज के हैं, वैसे ही वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी अपने खुले विचार रखते हैं। रणवीर खुलकर बिना झिझक महसूस किए हुए अपनी बातों को सबके सामने रखते हैं। वो बिल्कुल भी शर्म नहीं करते हैं। यहाँ तक कि रणवीर ने सेक्स की बातों को भी सबके सामने किया है। हम आपको रणवीर द्वारा दी गई ऐसी ही कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में बताएंगे। रणवीर ने 2014 में इंटरव्यू के दौरान खुलासा करते हुए कहा था कि जब वो 12 साल के थे तब उन्होंने पहली बार सेक्स किया था। 2014 में रणवीर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें सेक्स सिंबल होना पसंद है। रणवीर ने तीसरा और सबसे बड़ा खुलासा करते हुए कहा था कि वो अपने वॉलेट में कॉन्डोम भी रखते हैं। रणवीर ने ये भी बताया था कि उन्हें पर्दे पर न्यूड होने में कोई दिक्कत नहीं है। रणवीर ने इंटरव्यू के दौरान एक और सबसे बड़ा खुलासा करते हुए कहा था कि आमिर फिल्म पीके में पूरे न्यूड नहीं हुए थे। उनका कहना था कि अगर वो इस फिल्म में होते तो वो पूरे न्यूड हो जाते। रणवीर का कहना है कि जब उन्हें लड़कियां मारती या हाथ लगाती हैं तो वो बहुत कूल महसूस करते हैं। रणवीर का ये भी कहना है कि सेक्स एक नेचुरल और खूबसूरत प्रक्रिया है। रणवीर ने ये बताया है कि मैंने एक से ज्यादा बार वन नाइट स्टैंड लिया है। रणवीर ने ये भी बताया है कि मैं अपनी सेक्सुअलिटी के साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ। उन्होंने एक सबसे चौंका देने वाली बात का खुलासा करते हुए कहा है कि कई बार यंग लड़के भी उनका पीछा कर चुके हैं। बॉलीवुड में लंबे समय से ऐसी चर्चा थी कि सलमान खान जल्द ही शाहरुख खान की फिल्म में कैमियो करते नजर आ सकते हैं। हाल ही में सलमान की रिलीज हुई फिल्म ट्यूबलाइट में शाहरुख कैमियो भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। अब इसके बाद सलमान खान भी शाहरुख के लिए कुछ करना चाहते थे। ऐसे में उन्हें जैसे ही मौका मिला उन्होंने शाहरुख को सरप्राइज देने की ठान ली। दरअसल सलमान को किंग खान की आगामी फिल्म में कैमियो करने का ऑफर मिला तो उन्होंने झट से हामी भर दी और शाहरुख के लिए अपने शेड्यूल तक बदल डाले और शूटिंग सेट पर पहुंच गए। सलमान खान आनंद एल राय के निर्देशन में बन रही शाहरुख खान की फिल्म में एक डांस नंबर करते हुए नजर आएंगे। ट्यूबलाइट के बाद सलमान और शाहरुख को एक बार फिर पर्दे पर एक साथ देखना दर्शकों के लिए सुखद अनुभव होगा। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान ने सलमान खान को अपनी फिल्म के सेट पर एक सरप्राइज दिया। ये सरप्राइज था एक बेहद महंगी कार। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख ने सलमान को ये तोहफा देकर एक तरह से शुक्रिया कहा है। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि जब सलमान फिल्म के सेट पर आए तो शाहरुख ने उन्हें सरप्राइज देकर हैरान कर दिया। ये कार हाल ही में लॉन्च हुई है और अभी देश में किसी के भी पास नहीं है। ये गिफ्ट देखकर सलमान हैरान रह गए क्योंकि उन्हें इसकी उम्मीद तक नहीं थी। फिल्मों के टफ कंपटीशन के चलते आज फिल्म मेकर्स एक्ट्रेसेस को वजन घटाने या बढ़ाने जैसे कई दौर से गुजारते हैं। वही बात अगर एक्ट्रेसेस की करें तो उन्हें वेट प्रोसेस के साथ प्रेगनेंसी जैसी प्रोसेस से भी गुजरना पड़ता है। इन प्रोसेस के चलते बॉडी पर कई सारे मार्क्स बन जाते हैं जो दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन हमारी एक्ट्रेसेस इन्हें बड़े ही कॉन्फिडेंटली फ्लॉन्ट करती हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी ही एक्ट्रेसेस के बारे में जो ऐसे ही बिंदास होकर स्ट्रेच मार्क्स को फ्लॉन्ट करती हैं। मलाइका अरोड़ा। बोल्ड एक्ट्रेस मानी जाने वाली मलाइका 43 साल में भी अपनी फिटनेस को लेकर चर्चाओं में रहती हैं। एक बच्चे की माँ होकर भी वो काफी ग्लैमरस और बिंदास हैं। यही वजह है कि डिलीवरी के बाद मलाइका के पेट पर कई सारे स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं, लेकिन वो उन्हें बड़ी ही कॉन्फिडेंटली फ्लॉन्ट करती हैं। प्रियंका चोपड़ा।
प्रियंका चोपड़ा वैसे तो बॉलीवुड की फिट एक्ट्रेसेस में शुमार है, लेकिन फूडी होने की वजह से उनका वजन फ्लक्चुएट होता रहता है। इसी फैट के कारण उनके हाथ पर स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं, लेकिन प्रियंका को बिकिनी बॉडी में ये स्ट्रेच मार्क्स फ्लॉन्ट करने में कोई हिचक नहीं होती है। परिणीति चोपड़ा। परिणीति बॉलीवुड में आने से पहले काफी मोटी हुआ करती थी, ऐसे में उन्होंने अपनी फिटनेस पर खासा ध्यान दिया और वो फैट टू फिट हो गई। परिणीति को भी अपने आर्म्स पर फैट से आए स्ट्रेच मार्क्स शो करने में कोई परेशानी नहीं होती है। सोनाक्षी सिन्हा। करियर की शुरुआत में सोनाक्षी काफी मोटी थी। जब सोनाक्षी को सलमान खान की फिल्म दबंग का ऑफर मिला था तो उन्होंने अपने 30 किलो वजन घटाए थे। पहले उनका वजन 90 किलो का था। सोनाक्षी को उनके आर्म पर फैट के स्ट्रेच मार्क्स फ्लॉन्ट करने में भी कोई परेशानी नहीं होती है। चित्रांगदा सिंह। बोल्ड एक्ट्रेसेस में से एक चित्रांगदा सिंह के टमी पर भी काफी सारे स्ट्रेच मार्क्स हैं, लेकिन वो बिना किसी की परवाह किए इन्हें फ्लॉन्ट करने वाली ड्रेसेस कैरी करती हैं। जरीन खान। पहले जरीन भी काफी मोटी हुआ करती थी, इसलिए उनके आर्म पर अभी भी फैट के स्ट्रेच मार्क्स दिखाई देते हैं। बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेताओं में संजय दत्त का नाम शुमार है। संजय दत्त की पत्नी मान्यता ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। दरअसल मान्यता ने अपने इंस्टाग्राम पर हाल ही में श्रीलंका ट्रिप की कुछ फोटोज शेयर की हैं। इसके बाद उन्होंने फ्रांस ट्रिप की कुछ फोटोज भी पोस्ट की हैं। इन फोटोज को लोगों ने काफी पसंद किया है। फोटोज में उन्होंने बिकिनी पहनी है और वो बेहद हॉट नजर आ रही है। वो स्विमिंग पूल में अपने बच्चों के साथ नहाती हुई नजर आ रही है। उनके साथ उनके बच्चे शहरान और इकरा भी छुट्टियां मना रहे हैं। मान्यता इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।